हेलो नमस्कार वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग फ्लैंडर का इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम जो है हम डिस्कस करने वाले हैं इसको एफ आई ए सी एस भी बोलते हैं ये अपने आप में एक थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है तो हो सकता है ये वीडियो लंबी हो उसको शुरू करने से पहले आपको ये पता होना ज़रूरी है कि इंटरेक्शन एनालिसिस होता क्या है सो so बेसिकली जब आप इंटरेक्ट कर रहे हैं किसी से उसको एनालाइज करना तो वो हो गया इंटरेक्शन एनालिसिस और इसको हम ये जो कैटेगरी है एफ आई एस एस ये क्लासरूम इंटरेक्शन एनालिसिस में इंक्लूड होगा सो क्लासरूम इंटरेक्शन एनालिसिस क्या हो गया जब टीचर पढ़ा रहा है और उस टाइम पे जो इंटरेक्शन हो रहा है उसका बच्चों के साथ सो so उसको एनालाइज करना उसको देखना उसको जो है ये कैटेगरी सिस्टम में क्या होगा कि हम पर्टिकुलर कैटेगरीज के थ्रू उसको जो है क्या करेंगे एनालाइज करेंगे ऑब्जर्व करेंगे सो so, वो क्या हो गया क्लासरूम इंटरेक्शन एनालिसिस क्लासरूम इंटरेक्शन एनालिसिस के बाद अगर हम बात करें तो बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं जिसके थ्रू हम क्लासरूम को क्लासरूम में जो इंटरेक्शन हो रहा है उसको एनालाइज कर सकते हैं उसी में से एक है कैटेगरी सिस्टम आई होप आपको ये जो सिनेरियो है ये क्लियर हुआ होगा अगर कुछ समझ ना आए तो आप जो है कमेंट करके पूछ लीजिएगा क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है इतना टफ नहीं है बट इंपॉर्टेंट है सो so अब शुरू करते हैं हम फ्लैंडर का इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम दिस इज प्रेजेंटेड बाई मी रवीना अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो लाइक like, शेयर और सब्सक्राइब जो आप इनकल के लर्निंग को कर सकते हैं सो so, सबसे पहले तो हम इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं हम एफ आई ए सी एस डिस्कस करेंगे जो टेन कैटेगरीज हैं एफ आई ए सी एस की उनको डिस्कस करेंगे प्रोसीजर क्या है हम ऑब्जर्व कैसे करते हैं या एनकोड या डी कोड कैसे करते हैं वो पढ़ेंगे रूल्स क्या है ऑब्जर्वेशन के ऑब्जर्व करने के या एनकोड करने के डी कोड करने के उन चीज़ों को वो पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टिंग इंटरेक्शन मैट्रिक्स तो इंटरेक्शन जो हुआ है उस वो जो डाटा हमने कलेक्ट किया ऑब्जर्व किया है उसको कैसे मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं वो देखेंगे इंटरप्रिटेशन कैसे होता है उस डाटा का जो मैट्रिक्स हमने बनाई है उसके इंटरप्रिटेशन को देखेंगे फायदे क्या क्या हैं एडवांटेजेस क्या क्या हैं लिमिटेशंस क्या क्या हैं फ्लेंडर के इंटरेक्शन एनालिसिस की और क्या क्या प्रिकॉशंस हम यूज कर सकते हैं एक बेटर रिजल्ट के लिए सो so ये नो की नो चीजें हम डिटेल में अभी देखने वाले हैं सबसे पहले है कि फ्लैंडर का इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम जो मैंने अभी आपको बताया कि ये क्लासरूम इंटरेक्शन एनालिसिस के अंडर आता है जिसमें क्या कर रहे हैं हम कैटेगरी वाइज जो है हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे या कैटेगरी बना रहे हैं हम उसमें टेन कैटेगरीज इसमें होती हैं और जो फ्लैंड और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं इंटरेक्शन को एनालाइज करता है तो एफ आई ए सी एस इसको जो है हम बोलते हैं सो so, फ्लेंडर ने डवेल्प किया एक सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन एनालिसिस क्या करने के लिए स्टडी करने के लिए कि क्लास में क्या हो रहा है जब टीचर जो है वो पढ़ाता है ठीक है जी फ्लेंडर और बाकी लोगों ने जो है ये सिस्टम डिवेल्प किया था यूनिवर्सिटी ऑफ मेनोसेटा में यूएसए और कब टाइम पीरियड इसका 1955 से 60 के बीच का है दस कैटेगरीज हैं इसमें अब जब हम इंटरेक्ट कर रहे हैं सो वर्बल इंटरेक्शन भी हो सकता है इंटरेक्शन कई तरीके का हो सकता है ठीक है इंटरेक्शन के काफी डायमेंशन हो सकते हैं जो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे फिलहाल के लिए आप इतना ध्यान रखिए कि इंटरेक्शन की जब हम बात कर रहे हैं तो वर्बल नॉन वर्बल दोनों हो सकता है लेकिन फ्लैंडर ने जो कैटेगरीज क्लासिफाई की वो सिर्फ वर्बल कम्युनिकेशन या वर्बल बिहेवियर की, की। So, वो ये आपको ध्यान रखना है कहीं पे अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी ये पूछा जाता है तो ये वर्बल बिहेवियर के लिए है सो so, ये कंप्लीट टोटल वर्बल बिहेवियर के ऊपर फोकस करेगी जो इसकी दस की दस कैटेगरीज हैं वो और वर्बल बिहेवियर में क्या क्या आ गया टीचर टॉक यानी जब टीचर बात कर रहा है चीजें बता रहा है या समझा रहा है क्वेश्चन पूछ रहा है इनकरेज कर रहा है सब चीजें आ गई स्टूडेंट टॉक जब स्टूडेंट टीचर की बात का रिस्पॉन्स कर रहा है या फिर स्टूडेंट जो है अपना कोई क्वेश्चन पूछ रहा है सो so, वो स्टूडेंट में आ गया क्योंकि या प्योपिल टॉक भी बोल देते हैं और एक है साइलेंस या कंफ्यूजन कि जब बिल्कुल थोड़ा सा बीच में गैप आ रहा है या साइलेंस हो रहा है या चुप हो रहा है या कंफ्यूजन हो रहा है कुछ सो वो किस में आ गया साइलेंस और कंफ्यूजन में सो so ये इस तरीके की चीजें वेरिएबल वर्बल बिहेवियर में आती हैं अब हम इनकी टेन कैटेगरीज़ देखते हैं और ये 10 की 10 कैटेगरीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी जैसे ज, जैसे हैं उसी में यानी कैटेगरी 1 क्या है 1 से लेकर 10 तक विद नंबर कि अगर आपसे कोई डिक्टेशन में भी पूछे कि छह नंबर की कैटेगरी क्या, क्या है सो आपको याद करनी पड़ेगी कि गिविंग डायरेक्शन सात नंबर की क्या है क्रिटिसाइजिंग सो so वो चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी अब हम इनको डिस्कस करते हैं कि टीचर टॉक तो इसने तीन पार्ट में डिवाइड किया है टीचर टॉक प्यूपिल टॉक और साइलेंस या पोज या कंफ्यूजन टीचर टॉक में दो चीजें आ जाती हैं या तो डायरेक्टली बात हो रही है या इनडायरेक्ट टॉक हो रही है अब इनडायरेक्ट टॉक में क्या है एक्सेप्ट फीलिंग पहली कैटेगरी है फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं या जो पीपल हैं वो किस तरीके उनकी क्या इंटरेस्ट है उनकी क्या फीलिंग्स हैं आप उन चीजों को ध्यान में रखेंगे और उनको एक्सेप्ट करेंगे वो जैसे हैं वैसे सेकेंड कैटेगरी की अगर बात करें तो प्रेज और एनकरेजमेंट की टाइम टू टाइम जो है आप उनको क्या करेंगे प्रेज करेंगे एनकरेज करेंगे या हम बोल सकते हैं एक तरीके से एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन क्योंकि जब आप एनकरेज कर रहे हैं तो मोटिवेट ही हो रहे हैं स्टूडेंट्स उससे सो प्रेज और एनकरेजमेंट का जो पार्ट है वो सेकेंड कैटेगरी में आएगा

कैटेगरी फाइव हो जाएगी लेक्चरिंग क्योंकि डायरेक्टली बात हो रही है ये चीजें जो थी कि आपने उनकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट किया या उनको एनकरेज करने के लिए कुछ बोला तो ये इनडायरेक्ट टॉक में आ गया डायरेक्ट टॉक में क्या आ गया लेक्चर देना कि आप वन टू वन पढ़ा रहे हैं सबको या डायरेक्शन दे रहे हैं कि आपने किसी को कुछ बोला या किसी बच्चे को कुछ कहा तो वो क्या हो गई आपने उनको ऑर्डर दिया या रिक्वेस्ट जो भी किया आपने उनको डायरेक्शन दी कोई भी काम करने के लिए जैसे कई बार होता था कि टीचर्स बोल देते हैं कि ये जो है किसी भी मॉनिटर को या बच्चे को कि बोर्ड साफ कर दीजिए सो so, वो क्या है वो डायरेक्शन है पर्टिकुलर कैटेगरी सेवन में आ जाएगा क्रिटिसाइजिंग या फिर जस्टिफाइंग अथॉरिटी सो जब बच्चे को आप क्रिटिसाइज करते हैं या जस्टिफाइंग अथॉरिटी क्या होगी वो सेवंथ कैटेगरी में आएगा जो इस तरीके का बिहेवियर होगा कि जब आप डांट रहे हैं या क्रिटिसाइज कर रहे हैं प्यूपिल टॉक की अगर बात करें तो कैटेगरी एट और नाइन जो है वो प्यूपिल टॉक से रिलेटेड होगी एट में क्या होगा कि बच्चे से क्वेश्चन पूछा गया है या टीचर ने उनको उसको कुछ बोला है और वो रिस्पॉन्ड कर रहा है सो so वो प्यूपिल टॉक होगा लेकिन रिस्पॉन्स होगा किसका जो टीचर ने पूछा है या बोला है कैटेगरी नाइन में क्या होगा कि बच्चा खुद से शुरुआत कर रहा है क्वेश्चन पूछने की या कोई भी हो गया. और का क्या होगा कैटेगरी नंबर टेन जब थोड़ा सा पॉज हो या कंफ्यूजन हो या साइलेंस हो सो so ये जो है कैटेगरीज हैं ये दस की दस आपको टिप्स पे लर्न करनी है अगर आप फ्लैंडर इंटरेक्शन जो है वो समझना चाह रहे हैं तो अब इसके बाद हम देखते हैं और एक और चीज आपको याद होनी चाहिए कि प्यूपिल टो जब हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की बात करते हैं ना सो so, बिल्कुल अगर प्योर डायरेक्ट और प्योर इनडायरेक्ट की बात करें क्योंकि ये इंटरेक्शन को जब इंटरप्रेट करेंगे उसमें काम आएगा जब हम प्योर इनडायरेक्ट की बात कर रहे हैं तो हम एक दो तीन कैटेगरीज को इंक्लूड करते हैं पहली तीन क्योंकि फोर्थ और फिफ्थ जो है वो हम एक तरीके से ट्रांजिशन लगा लीजिए या इन इन दो जो कैटेगरीज हैं उनको हम इंक्लूड नहीं करेंगे जब हम इनडायरेक्ट की बात कर रहे हैं तो हम वन टू थ्री इंक्लूड करेंगे प्योर इनडायरेक्ट की और जब प्योर डायरेक्ट की बात कर रहे हैं तो हम सिक्स और सेवंथ को इंक्लूड करेंगे बस ये चीजें जो मैंने

किसी भी चीज को या किसी भी बिहेवियर को पर्टिकुलर आप उसको कोडिंग दे रहे हैं यानी कि टीचर ने जो है जैसे ये जो कैटेगरीज है इनके बेसिस पे हम इनकोडिंग करेंगे अब ऑब्जर्वर ने क्या किया वो बैठा है और ऑब्जर्व कर रहा है अब ऑब्जर्वर सबसे पहली बात एक ऐसी जगह पे बैठेगा जहाँ जो कि बेस्ट पोजीशन होगी जहां पे उसको सब सुनाई दे रहा है सा, सारे के सारे पार्टिसिपेंट्स दिख रहे हैं टीचर दिख रहा है ये जो है एक बेस्ट पोजीशन मानी जाती है कि सबसे पहले ऑब्जर्वर वहां जाके बैठेगा उसके बाद ऑब्जर्वर क्या करेगा हर तीन सेकेंड में जो है देखेगा कि कुछ मोमेंट हो रही है यानी क्या क्या चीजें चेंज हो रही हैं यानी कि जो ऑब्जर्वेशन होगी होगी हर तीन की हो अब मिनट सिंपल सा मैथमेटिक्स है मिनट में साठ सेकेंड सा, हो गए यहां पे हम तीन सेकेंड में एक ऑब्जर्वेशन डिसाइड कर रहे हैं या एक कैटेगरी डिसाइड कर रहे हैं मान लीजिए टीचर ने आके जो है पढ़ाना शुरू किया सो वो क्या हो गया लेक्चरिंग सो कैटेगरी फाइव जो है वो सबसे पहले नंबर पर आ गई

हमने कर दिया so, वो क्या होगी होगी। अब अगर तीन में हो रहा है, तो कि अगर दो सेकेंड बाद चेंज हो गया उसके फिर टाइमिंग जो है क्योंकि जैसे ही चेंज होगा अब अगर तीन सेकंड हुए हैं नहीं हुए हैं वो तो आपको नोट करना ही है जो चेंज हुआ है बिहेवियर में। साथ साथ तीन सेकेंड तो है कि आपको हर तीन सेकंड बाद जो है वो चेक करना है सो so मिनिमम जो है ट्वेंटी टैलीज तो होंगी ही एक मिनट में क्योंकि हम हर तीन सेकंड बाद ऑब्जर्व कर रहे हैं और अगर ट्वेंटी टैलीज मिनिमम है एक मिनट में सो so पांच मिनट में हंड्रेड टैलीज और एक घंटे में बारह सौ टैलीज हो गई ठीक है सो so ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि इसमें हम हर तीन सेकंड में जो है ऑब्जर्व कर रहे हैं और ये तीन सेकंड का जो टाइम पीरियड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार क्वेश्चन में भी मान लीजिए नेट का आप दे रहे हैं या कोई भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे ऑब्जेक्टिव तो उसमें फ्लैंडर का इंटरेक्शन किस तरीके से ऑब्जर्व करते हैं कितने सेकेंड बाद ऑब्जर्व करते हैं तो वो तीन सेकेंड बाद ऑब्जर्व करते हैं इन दिस प्रोसेस ओनली द सीरियल नंबर ऑफ आपको याद होने चाहिए कि अगर टीचर तो आप सात कैटेगरी यूज करेंगे बच्चे ने रेस्पॉन्ड दिया तो आप आठ यूज करेंगे सो so, uh, हाँ और अगर बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है तो आप नौ no यूज करेंगे सो so, वो ये जो है आपको याद होनी चाहिए सारी की सारी तो ये सीरियल नंबर जो है हम कैटेगरी के लिखेंगे उसके अंदर कोशिश करेंगे इन दिस ऑब्जर्वेशन प्रोसेस जो राइट कर रहे हैं हम राइटिंग ऑफ सीरियल नंबर ऑफ कैटेगरी उसको हम इनकोडिंग बोल रहे हैं और जो डिटेल लिखेंगे हम इस सीरियल नंबर के बेसिस पे यानी कि हमें कुछ जैसे बार कोड दिया होता है सो उसको बार कोड को क्या करते हैं स्कैन करके वो डी कोड हो जाता है और उस कंप्यूटर में वो चीज खुल जाती है यहाँ पे क्या है कि जो कोडिंग हमने की है जो एनकोड किया है हमने चीजों को या जो बिहेवियर था टीचर का उसको इंटरेक्शन को उसके बाद हम क्या करेंगे उसको डी करेंगे और वो मैट्रिक्स के बेसिस पे करेंगे जो अभी मैं आपको बताऊंगी तो उसको बिहेवियर को राइट करना डिटेल्स में समझना वो क्या हो गया डी हो गया ऑब्जर्वर शुड रिमेंबर द सीरियल नंबर ऑफ दीज कैटेगरी आपको सीरियल याद होंगे तभी आप क्या कर सकते हैं कि वो ऑब्जर्व कर सकते हैं बेटर तरीके से वरना आप ऑब्जर्व कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि आपको नंबर याद नहीं है और आप कैटेगरी साइड में लेके भी बैठ गए सो आप कितनी बार देखेंगे क्योंकि हर तीन सेकेंड बाद आपको जो है रिस्पॉन्ड करना है हर तीन सेकेंड बाद आपको कोड लिखना है सो वो चीज के लिए आपको ये याद रखने पड़ेंगे तो ये encoding, decoding का हो गया और पूरा प्रोसीजर मैंने आपको बताया कि ऑब्जर्व कैसे करता है ऑब्जर्वर अब हम देख लेते हैं कुछ एक रूल्स कि जब आप ऑब्जर्व कर रहे हैं या रिकॉर्ड या एनकोड या डी कर रहे हैं सो आपको किन किन रूल्स का ध्यान रखना पड़ेगा सबसे पहला रूल है इफ मोर देन वन टाइप ऑफ कैटेगरी अकर्स विद इन थ्री सेकंड तो मैंने आपको बताया था कि तीन सेकंड के अंदर भी जो है और कैटेगरी हो सकती है ठीक है सो अगर वो वैसा होता है सो so ऑब्जर्वर जो है कौन सी कैटेगरी को चूज करेगा जो कैटेगरी फाइव से दूर है ना कि दस से दूर है ठीक है जैसे कि ऑब्जर्वर को डाउट है कि ये दो कैटेगरी में इंक्लूड हो रहा है या तीन कैटेगरी में सो so, वो पांच से दूर कौन सी हुई दो सो so, वो दो कैटेगरी को यूज करेगा ठीक है जी आई होप आपको ये क्लियर है तो ऑब्जर्वर शुड नॉट इन्वॉल्व हिज पर्सनल यहाँ पे नहीं होनी चाहिए जो दिख रहा है जो कोड है आपको उसी बेसिस पे लिखना है इफ मोर देन वन कैटेगरी इज एक्टिव इन स्पैन ऑफ three seconds, एंड देन ऑल कैटेगरीज शुड बी रिकॉर्डेड सो अगर तीन रिकॉर्डेड सारी होंगी लेकिन जब आप यूज करेंगे तो अगर आपको कंफ्यूजन है किसी कैटेगरी में तो आप दूर वाली जो कैटेगरी है वो यूज करेंगे और इसी को फर्दर आपको ये चीज जब आप इंटरप्रेट करेंगे so उस आपको एक वर्ड मिलेगा स्टीडी स्टेट तो वो स्टीडी स्टेट क्या होती है जब वो नंबर चेंज नहीं हो रहा वो चीजें रिपीट हो रही है सो वो क्या होगी स्टीडी स्टेट होगी

अगर नेक्स्ट की बात करें तो स्टूडेंट्स आंसर यानी कि टीचर ने क्वेश्चन पूछा सो वो क्या हुआ? टीचर ने क्वेश्चन पूछा कैटेगरी नंबर अगर अगर बच्चे बच्चे ने ने किया किया सो तो सो वो टॉक में आएगा तो ये क्या बोल रहे हैं कि अगर बच्चे ने response किया और वो सही है ठीक है सो तो वो सही को आप किस में इंक्लूड करेंगे प्रेज और एनकरेजमेंट में इंक्लूड करेंगे ना कि रिस्पॉन्ड वाले में क्योंकि वो क्या है कि ऑटोमेटिकली वो वो चीज प्रेज और एनकरेजमेंट में चली गई अगर वो चीज आपने सही बोली है तो When a teacher listens to a pupil and then accepts his idea for a discussion, जैसे मैंने आपको बताया था कि बच्चे ने आके बोला कि सर या मैम आप इस टॉपिक पे प्लीज डिस्कस कीजिए थोड़ा सा कम क्लियर है तो बच्चे का उसने आइडिया सुना और उसको एक्सेप्ट किया डिस्कशन के लिए सो वो तीन वाली कैटेगरी में चला गया कि एक्सेप्ट और यूज द आइडिया ऑफ पीपिल द वर्ड्स ऑल इज ओके यस या ऑल राइट तो ये सारे के सारे वर्ड्स जो है वो एनकरेजमेंट में जाएंगे और कैटेगरी नंबर टू आप जो है ध्यान रखेंगे टीचर जोक्स विदाउट एमिंग एट पीपल पीपल तो टीचर ने क्या किया कोई क्रैक किया अगर वो किसी पे क्रैक नहीं किया मतलब को पॉइंट आउट करते हुए जोक किया तो वो सेवेंथ कैटेगरी में जाएगा यानी कि आप उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं ठीक है जी तो वो सेवंथ कैटेगरी में इंक्लूड होगा अगर आप किसी बच्चे पर्टिकुलर बच्चे को क्या कर रहे हैं फोकस uh, में करके या एम करके कर रहे हैं वो जोक

सो so, ये सारे के सारे के रूल्स थे अब आपको यहाँ कुछ नंबर्स दिख रहे होंगे ये इस तरीके से आप कोडिंग करेंगे कैसे आपने देखा कि टीचर जो है डायरेक्शंस दे रहे हैं आते ही तो वो छे नंबर हो गया डायरेक्शंस के बाद थोड़ा सा साइलेंस आ रहा है सो तो वो क्या हो गया साइलेंस और पोज का टेन कैटेगरी हो गई फिर जो है उन्होंने किसी बच्चे को जो है पॉइंट आउट करके कोई चीज बोल दी या क्रिटिसाइज कर दिया तो वो सेवन कैटेगरी में चला गया सो so, ऐसे आप जो है हर तीन सेकेंड बाद एक कोड जो है यहाँ पे लिखेंगे ये कोड रेडी हो गया अब इसी कोड को लेके हम जो है क्या करते हैं कंस्ट्रक्शन करते हैं इंटरेक्शन मैट्रिक्स की इंटरेक्शन मैट्रिक्स को कैसे करते हैं हम टेन बाय टेन के फॉर्म में करते हैं यानी टेन रोज होती हैं टेन कोलन होते हैं और ये टेन बाय टेन क्यों है क्योंकि हमारे पास टेन कैटेगरीज हैं ठीक है सो so, ये टेन बाय टेन में हम क्या करेंगे उस टेबल को बनाएंगे और उसी को हम क्या बोलते हैं मैट्रिक्स बोलते हैं टेगरी नंबर ऑफ रिकॉर्ड शीटेड इन दैट्रिक्स ध्यान रखनी है कि आप इनको क्या करेंगे पेयरिंग होगी अब पेयरिंग हो में दो नंबर की पेयरिंग होगी मान लीजिए मैंने छाया तो छे जो है पहला क्या होगा वो रो होगी और सेकेंड जो है वो कॉलन होगा जैसे हम ग्राफ बनाते हैं कई बार एक्स और वाई एक्स देख के सो वैसे ही यहां पे आपके पास दो नंबर हैं जिसमें से आप बाय डिफॉल्ट पहला जो नंबर है उसको क्या लेके चलेंगे कि वो रो है और दूसरा जो नंबर है वो कॉलन लेके चलेंगे अभी आपको ये मैं पूरा कैलकुलेट करके समझाऊंगी वो आप ध्यान से सुनिएगा अब उससे पहले आप क्या करेंगे तो सीक्वेंस किस में होगी पेयरिंग में होगी अब जो ये नंबर हमारे पास आया है सबसे पहला रूल है कि हम इसमें आगे और पीछे दोनों साइड टेन ऐड करेंगे ठीक है कोडिंग के लिए बिगनिंग में और लास्ट में रीजन सिंपल सा है कि हमारे पास टेन जो है वो नंबर हैं तो वो क्या है हमने पहला टेन इंक्लूड किया और लास्ट में भी टेन इंक्लूड कर दिया तो ये जो नंबर था हमारा ये ये बन गया आई होप आपको ये समझ आ रहा हो ये बन गया इसके बाद हम क्या करेंगे पेयरिंग अब पेयरिंग ऐसे नहीं होगी कि दस और छह की कर दी दस और सात की कर दी <coughs> नहीं Pairing में क्या होगा टेन और सिक्स की पेयरिंग की उसके बाद 6 और 10 की, 10 और की की सो बेसिकली यानी दो टाइम यूज हो रहा है ठीक है पहले फर्स्ट नंबर फर्स्ट दिख रहा होगा टेन और सेवन सेवन फाइव फाइव वन वन और फोर फोर एट एट फोर फोर सिक्स और सिक्स और नाइन और, और, और उसके बाद नाइन और टेन सो so ये क्या हो गई आपकी नंबरिंग अब आप ये देखेंगे कि यहाँ पे देखिए ये जो तीन तीन छह तीन तीन नौ और तीन के बारह सो so ये यहाँ पे क्या हो गए थे बारह हमारे पास कोड्स हो गए थे लेकिन जब हम पेयरिंग कर रहे हैं सो हमारे पास एक कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली क्योंकि हम जो यहाँ से टेन और टेन का वापस से नहीं कर रहे हैं कि हमारे पास एग्जैक्ट ट्वेल्व कोड्स हों तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि जितने भी नंबर्स हैं उससे एक कम यानी कि ये टोटल को अगर मैं एन लेके चल रही हूँ तो एन माइनस वन जो है वो सीक्वेंस हो जाएगी पेयरिंग की

सो so, वो रो और कॉलन आप ध्यान रखेंगे एवरी पेयर ओवरलैप्स दी अदर पेयर यानी ये पेयर बनाया टेन और सिक्स का इसने ओवरलैप किया और अगला पेयर सिक्स और टेन का हुआ तो सिक्स जो है वो ओवरलैपिंग में आ रहा है कि टेन से सिक्स सिक्स टेन टेन सेवन ऐसे टोटल जो होंगी वो क्या मान लिया हमने एन और जो मैट्रिक्स हम बनाएंगे वो एन माइनस वन होंगी ठीक है जैसे ये नंबर बारह है तो बारह में से एक गया इलेवन नंबर्स जो है हम स्क्रीन पे अपनी जो मैट्रिक्स है उस पर मार्क करेंगे फिर है ईच मैट्रिक्स हैज हंड्रेड सेल्स क्योंकि हर एक मैट्रिक्स में टेन रोज टेन कॉलम्स हैं सो वो क्या हो गए टोटल हंड्रेड सेल्स जो है वो हो गए अब हम ये सेल्स बना के देखते हैं तो देखिए ये रो और कॉलन वन से लेके टेन तक ये रोज हो गई सारी की सारी और ये जो है कॉलन हो गए हमारे पास जो होरिजेंटल होती है वो रो होती है और जो वर्टिकल है वो हम कॉलन लेके चल रहे हैं ठीक है ये नंबर है जो हमें हम किसमें करना है इसमें uh, इस मार्क करना है जब आप टेलीज मार्क करते हैं तो आप क्या करते हैं जो एक स्टैंडिंग लाइन से आप मार्क करते हैं बिल्कुल सीधी लाइन होनी चाहिए अगर दूसरी भी सेम जगह पर आ रही है तो दो लाइन हो जाएंगी अब जैसे पहला है टेन और सिक्स सो टेन हमारी रो हो गई अब इस रो में सिक्स नंबर ये हो गया तो हम यहाँ मार्क करेंगे आपको फिर है सिक्स और टेन अब यहाँ पे सिक्स रो हो गई और इसमें जो है टेंथ तो हम यहाँ मार्क करेंगे उसके बाद है टेन और सेवन ये टेन है हमारे पास और ये सेवन हो गया तो कर सर आपको दिख रहा होगा आप इस पर फोकस कीजिएगा फिर है सेवन और फाइव सेवन हमारी रो हो गई फाइव जो है हमारा यहाँ पे कोलन हो गया तो यहाँ पे हम मार्क करेंगे ये हो गया ये फिर नेक्स्ट है सेवन फाइव के बाद फाइव और वन ये हमारी फाइव रो हो गई और वन जो है हमारा ऊपर से कॉलन हो गया तो हम यहाँ मार्क करेंगे फाइव वन के बाद है वन और फोर ये वन रो हो गई और फोर जो है हमारा कॉलन हो गया ये यहाँ वाली मार्क हो जाएगी टैली फिर है फोर और एट फोर हम फोर नंबर रो हो गई और यहां से हम गए एट नंबर कॉलन पे फिर है एट और फोर यहाँ से एट उठाया और यहाँ से फोर यहाँ तक पहुंचे फोर और सिक्स ये फोर हो गया और फोर के बाद सिक्स यहाँ पे गए फिर है सिक्स और नाइन ये सिक्स है और ये यहाँ पे नाइन फिर है नाइन और टेन यहाँ से नाइन रो और जो है हमारा कोलन हो गया इतना समझ आया होगा आपको अब इनको हम क्या करेंगे टोटल करेंगे दोनों साइड से अब यहाँ फर्स्ट वाली रो में देखेंगे तो वन दूसरी में जीरो तीसरी भी बिल्कुल खाली है चौथी जो है फोर्थ रो हमारी इसमें दो है वन और टू तो ऐसे हम क्या करेंगे इन सब का टोटल कर लेंगे सो so, टोटल करने के बाद आप ये चीज ऑब्जर्व करेंगे कि जो यहाँ पे कॉलन में है सीरीज वन जीरो जीरो टू वन यही सेम सीरीज आपकी इधर आपको रो में मिलेगी और इन दोनों का टोटल जो है वो कॉमन होगा सेम होगा यहाँ पे जो है वो इलेवन हो गया टोटल ठीक है क्योंकि हमें इलेवन ही नंबर जो है वो मार्क करने थे हमारे पास टोटल <coughs> नंबर कितने थे एन थे ठीक है अब हम करेंगे इंटरप्रेट इंटरप्रेट करने के लिए ये जो चीज है हमें ये क्या है? हमारी टोटल फ्रिक्वेंसी इलेवन है ठीक है तो ये टोटल फ्रीक्वेंसी आप ध्यान रखिएगा उसके बाद आप क्या करेंगे फार्मूलाज आपको समझ आने चाहिए जैसे टीचर टॉक रेशियो या फिर परसेंटेज ऑफ टीचर टॉक कि टीचर ने कितनी बात की या फिर टोटल टीचर बिहेवियर सो आप टोटल टीचर बिहेवियर देखें तो इन सात कैटेगरीज में होता है सो हम इन सात कैटेगरीज में जितनी भी टैलीज है उनको मार्क करेंगे ऐड करेंगे डिवाइड करेंगे उसको किससे टोटल फ्रिक्वेंसी से जो कि यहां पे हमारी टोटल फ्रीक्वेंसी क्या है ग्यारह है अगर एक से लेके सात तक अगर हम देखें तो यहाँ तक ऐड करना पड़ेगा हमें तो ये क्या हो जाएंगी एक दो तीन चार पांच छः और सात या फिर आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं डायरेक्ट कि मुझे सात के कॉलन सात तक चाहिए अब वो रो भी हो सकती है सात तक कॉलन क्योंकि सेम ही आएगा आपका सो दो और एक तीन और एक चार पांच छ और एक सात तो ऐसे आप इनको जो भी आपको बोला जाए कि मान लीजिए फर्स्ट और सेकंड को ऐड करके आपको जो है वो फॉर्मूला है तो फर्स्ट और सेकंड में सिर्फ एक हो गया सो तो ऐसे आप इनको टोटल कर लेंगे टीचर टॉक रेशियो में क्या आ जाएगा फिर वन टू सेवन कैटेगरीज क्योंकि एक से सात कैटेगरीज में ही टीचर टॉक है सो तो वो डिवाइड बाय टोटल फ्रिक्वेंसी यानी कि इलेवन और इन में हंड्रेड सो तो ये जो है वो क्या आ जाएगा टीचर टॉक रेशियो या टोटल टीचर बिहेवियर या फिर परसेंटेज ऑफ टीचर टॉक ठीक है जी आई होप आपको ये समझ आया होगा नेक्स्ट है इनडायरेक्ट टीचर टॉक रेशियो सो इनडायरेक्ट टीचर टॉक में हमारे <coughs> पास चार कैटेगरीज हैं वन टू थ्री फोर सो वन टू थ्री फोर की फ्रीक्वेंसी कितने हैं वहां पे और डिवाइड बाय टोटल यानी इलेवन इस केस में और इनटू में हंड्रेड

So, वो समझ आ जाएगा आपको अगर नेक्स्ट देखें तो डायरेक्ट टीचर टॉक या डायरेक्ट टीचर का इन्फ्लुएंस तो डायरेक्ट में क्या है फाइव सिक्स सेवन कैटेगरी सो क्या हो गया फाइव सिक्स सेवन पे जो फ्रीक्वेंसी है वो डिवाइड बाई टोटल फ्रीक्वेंसी इन टू में हंड्रेड नेक्स्ट देखेंगे तो प्यूपिल टॉक रेशियो या फिर परसेंटेज ऑफ प्यूपिल टॉक अब प्यूपिल टॉक कितना है दस की दस कैटेगरीज में से सिर्फ एट्थ और नाइन्थ पे है प्यूपिल टॉक सो एट्थ और नाइन्थ पे जितने भी नंबर्स होंगे उनको ऐड किया डिवाइड बाई टोटल फ्रीक्वेंसी इंटू में हंड्रेड

आ सकते हैं वो so, वो वो काफी लंबी जो है वो टेबल बनेगी, कॉम्प्लेक्स तो हो जाएगा जब आप इस चीज को ऑब्जर्व में, में का रेशियो so, तो ले रहे हैं तो क्या वन टू थ्री फोर का डिवाइड बाई फाइव सिक्स में जो जो वहां पे टैलीज हैं जितनी टैलीज हैं इन टू में हंड्रेड नेक्स्ट है प्योर डायरेक्ट टू प्योर प्योर इनडायरेक्ट टू प्योर डायरेक्ट रेशियो ये मैंने आपको तब भी बताया था कि प्योर इनडायरेक्ट में हम वन टू थ्री को लेंगे और प्योर डायरेक्ट में हम सिक्स और सेवन को लेंगे सो वन टू थ्री so में जो टेलीज हैं डिवाइड बाय सिक्स और सेवन में इन टू में हंड्रेड नेक्स्ट है हमारा प्यूपिल इनिशिएशन रेशियो जिसमें हम क्या कर रहे हैं प्यूपिल इनिशिएशन कहा कैटेगरी नंबर नाइन पे है सो नाइन कैटेगरी में जो होगा डिवाइड बाय एट और नाइन में जो टोटल है क्योंकि हम टोटल में फिर प्यूपिल टॉक को ही इंक्लूड करेंगे जब हम प्यूपिल टॉक इनिशिएशन का रेशियो ले रहे हैं और इन टू में हंड्रेड नेक्स्ट है स्टीडी स्टेट रेशो अब आपको ध्यानों मैंने बताया था आपको जहां रिपीट होगा मान लीजिए टीचर लेक्चर दे रहा है और तीन सेकंड बाद भी लेक्चरिंग चालू है सो so, वो फाइव फाइव हो गया सो so, वो क्या हो गया स्टीडी स्टेट तो जहां पे भी सेम फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है तो वो टोटल फ्रिक्वेंसी जो किस में है स्टीडी स्टेट्स में मानी जाएंगी यानी कि फाइव फाइव है तो वो एक हो गई नेक्स्ट जो है अगर फाइव फाइव है तो वो दूसरी हो गई सो so ऐसे हम क्या करेंगे जहां पे चेंज नहीं हो रहा है सेम कोडिंग है हमारे पास सेम है स्टीडी स्टेट है चेंज नहीं हो रही है स्टेट सो so उनको फिर हम जोड़ेंगे तो वो क्या आ जाएगा टोटल फ्रिक्वेंसीज ऑफ स्टीडी स्टेट अपॉन में टोटल फ्रिक्वेंसी और इन में हंड्रेड नेक्स्ट है प्यूपिल स्टेडी स्टेट रेशियो स्टेडी स्टेट में क्या होगा कि जहां पे एट और नाइन कैटेगरी रिपीट हो रही है जैसे एट एट कितनी है नाइन नाइन कितनी है और अपॉन में एट और नाइन सेपरेटली टोटल कितनी है ठीक है सो so, वो चीज क्या ये क्या हो जाएगा हमारा प्यूपिल का स्टेडी स्टेट रेशियो सो so, ये दस जो है इसके अलावा और भी फॉर्मूला शायद आपको कहीं मिल जाए बट आपको इतना ज्यादा और करने की जरूरत है नहीं अगर आप जो है थियोरेटिकल एग्जाम दे रहे हैं अगर आप जो है ऑब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम तो आपको जहाँ पे जो भी नया फॉर्मूला दिखे आप उसको एक बार समझ लीजिएगा अब हम देखते हैं एडवांटेजेस क्या क्या हैं। सो so, सबसे पहले तो डॉक्टर एम बी बुज ने बोला था कि एक बहुत बोल्ड स्टेप है जब हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं क्योंकि टीचर को एक बेटर फीडबैक मिल रहा है सो एडवांटेजेस क्या रहेंगी इसकी कि फीडबैक मिल रहा है प्यूपिल और टीचर को दोनों को ठीक है इट इज यूज टू कंपेयर द बिहेवियर ऑफ टीचर्स एट डिफरेंट एज या डिफरेंट जेंडर या सब्जेक्ट सो so, वो क्या है कि हमें ऑब्जर्व कर सकते हैं हम टीचर को और उसी को फिर हम कंपेयर भी कर सकते हैं अगर करना चाहें कि किसका कितना जो है वो रेशियो आ रहा है दिस एनालिसिस वुड सर्व एज अ वाइटल फीडबैक टू द टीचर एंड टू टीचर ट्रेनी अबाउट हिज इंटेंशन एंड एक्चुअल बिहेवियर इन द क्लासरूम सुपरवाइजिंग और इंस्पेक्टिंग स्टाफ कैन ऑल्सो ईजिली फॉलो दिस सिस्टम सो so, जब टीचर ट्रेनिंग यानी जब बी एड या एमएड आप करते हैं सो so आप एक तरीके से टीचर ट्रेनिंग टीचर बनने वाले होते हैं प्यूपिल टीचर होते हैं सो so उस टाइम पे भी आपका बिहेवियर जो है ट्रेनर जो है आपका वो ऑब्जर्व कर सकता है और उसमें किस तरीके से इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए कि क्रिटिसाइज जो है वो बच्चों को कम करना चाहिए या नेग्लेक्ट करना चाहिए जितना आप कर सकें पॉजिटिवली बच्चों को चीजें बताने की कोशिश करनी चाहिए तो वहां से फिर क्या है क्वालिटी ऑफ जो क्वालिटी है उसमें इंप्रूवमेंट ला सकते हैं हम इट इज एन इफेक्टिव टूल टू मेजर द सोशल इमोशनल क्लाइमेट इन द क्लासरूम सो बेसिकली क्लासरूम में क्या एनवायरमेंट है क्या जो है किस तरीके का कनेक्ट है इंटरेक्शन है वो हम इसमें इससे ये काफी इफेक्टिव टूल उसमें माना गया है ट इज एन ऑब्जेक्टिव एंड रिलायबल टेक्निक ऑफ ऑब्जर्विंग एंड एनालाइजिंग द वर्बल बिहेवियर ऑफ ए टीचर एंड क्लास रूम इंटरक्शन सो ये ऑब्जेक्टिव है क्योंकि हमें सिर्फ कैटेगरीज याद रखनी है और उसके बाद हम चीजों को आगे इंटरप्रेट कर लेंगे रिलायबल टेक्निक मानी जाती है जब हम क्लासरूम इंटरैक्शन एनालिसिस की बात करते हैं सो so, ये जो है इसके एडवांटेजेस हो गए ऑब्वियसली कुछ एक लिमिटेशन होंगी सो द सिस्टम डज नॉट डिस्क्राइब द टोटालिटी ऑफ क्लास रूम एक्टिविटी यानी कि कुछ चीजें मिस भी हो सकती है हो सकता है आप लिख रहे हैं कोड और तब तक कुछ मिस हो गया ठीक है सो वो चीज क्या है कि आप पूरा टोटल क्लासरूम की एक्टिविटी को इसमें नहीं दिखा सकते कि आप कितने लोगों पे ऊपर जो है वो ध्यान रखेंगे सिस्टम डिवोट्स लिटल अटेंशन टू स स्टूडेंट टोक अब आपको ध्यान हो तो वन से लेकर सेवन कैटेगरीज तक हमारे पास टीचर टॉक है और सिर्फ एट्थ और नाइन्थ में क्या है प्यूपिल टोक है सो so, वो चीज इसमें इंक्लूड नहीं की गई है क्लासरूम इंटरेक्शन में प्यूपिल प्यूपिल टाइप का जो इंटरेक्शन है उसको भी कंसिडर नहीं किया गया है कि जब बच्चा बच्चे से बात कर रहा हूं ठीक है सो so, वो चीज क्या हो गई ये इसकी लिमिटेशन हो गई की बच्चों के ऊपर जो स्टूडेंट टॉक है प्यूपल टॉक है उसके ऊपर कम फोकस किया गया है सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन एनालिसिस कॉन्टेंट फ्री इसका क्या मतलब है कि जो पढ़ाने का आपका कम्युनिकेशन का तरीका है या जो इंटरेक्शन आप कर रहे हैं ये सिर्फ उस पर फोकस कर रहा है क्या पढ़ाया जा रहा है क्या कॉन्टेंट है उसके ऊपर ये फोकस नहीं कर रहा इट इज कॉस्टली एंड कंबे सम एंड रिक्वायर सम मोर समिंग एंड एनालाइजिंग द रो डाटा इट इज अट फिनिश्ड रिसर्च टूल नॉट फिनिश्ड क्यों बोला गया क्योंकि एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर हो गया कि आपके पास इतनी इतनी हैं उनको अगर आप मैनुअली बैठ के करेंगे तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी होगा सो so, अगर आप ऑटोमेटिकली करते हैं कुछ ऑटोमेशन से या टेक्नोलॉजी की हेल्प से करते हैं तो वहां पे फिर ये कॉस्टली पड़ेगा मच ऑफ द इंफ्लशियल पावर ऑफ दिस सिस्टम ऑफ एनालिसिस

जो एक दो ये है। हम अवॉइड नहीं कर सकते कि इसके अंदर कोई नई कैटेगरी बना दें, लेकिन हम ये तो अवॉइड कर सकते हैं है जिसके लिए हम क्या कर सकते हैं प्रिकॉशंस ले सकते हैं so, वो क्या हो जाएंगे क्लासरूम एनकोडिंग वर्क शुड बी डन बाई एन ऑब्जर्वर द एंटायर प्रोसेस और उसको लिमिटेशन भी पता हो वो तो अगर लिमिटेशन पता होंगी तो आप उनके ऊपर थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोकस रखेंगे और हो सकता है कि फिर कमियां या गलतियां उसमें कम हो इट इज एन एक्सप्लोरेटरी डिवाइस देर फॉर वैल्यू जजमेंट्स अबाउट गुड एंड बैड टीचिंग बिहेवियर आर टू बी एवॉडेड सो ये एक्सप्लोरेटरी डिवाइस है कि आप इसमें चीजें एक्सप्लोर कर रहे हैं बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है सो so इसमें आप जो टीचर बिहेवियर है गुड और बैड या उसको जज करना वो चीज हमें अवॉइड करनी चाहिए डिवाइस ये क्या है एक्सप्लोरेटरी है इवेल्युएटेड डिवाइस नहीं है कि आप टीचर को जो है इवेलुएशन सर्टिफिकेट पकड़ा दें कि उसने कैसा पढ़ाया है ठीक है द क्वेश्चन रिगार्डिंग क्लासरूम टीचिंग कैन ऑनली बी आंसर्ड बाई इंस्पेक्टिंग द मेट्रिक टेबल ऑब्जर्वर कंट आंसर द क्वेश्चन रिलेटिंग टू टीचर बिहेवियर यानी आपको पूरा का पूरा टेबल जो है वो अच्छे से पता होना चाहिए अगर आपको वो टेबल अच्छे से समझ है आप उसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं बेटर तरीके से तभी आप जो है वो ऑब्जर्वर रहे वरना उसके अलावा जो है बिना टीचर उसके इंटरेक्शन टेबल को समझे आप जो है ऑब्जर्वर बेटर ऑब्जर्वर नहीं होगा कंपेरिजन बिटवीन द टू मैट्रसेस कैन बी रिलायबिलिटी

एटलीस्ट टू ऑब्जर्वर शुड इनको इंटरक्शन टीचिंग एंड टीचर बिहेवियर सो दो या तीन ऑब्जर्वर एटलीस्ट दो बोला है तो दो या तीन ऑब्जर्वर आप यूज कर सकते हैं ताकि जो हमारा लिमिटेशन uh, थी कि हम पूरी, की, पूरी क्लास की एक्टिविटी को ऑब्जर्व नहीं कर सकते तो वो थोड़ा सा कम हो जाएगी कि वो बेटर तरीके से ऑब्जर्व कर पाएंगे ठीक है जी सो so, ये सारा का सारा फैलेंडर का इंटरेक्शन एनालिसिस था कि कैसे जो है क्लासरूम में इंटरक्ट करते टाइम उसको एनालाइज किया जा सकता है अगर आपको कुछ भी समझ ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा अगर आपको वीडियोस हेल्पफुल लग रही हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जो है लर्निंग को कर सकते हैं सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग